इसका मतलब है जो त्रिकालवादी है, यानी तीनों कालों में जो बुद्धिमान है, जो भूत में भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है, जिसका कहीं विनाश नहीं, जो सर्वत्र है, सर्वदा है, जो सत्य स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को सत्य कहते हैं। दूसरा परिचय दिया कि भगवान चिद स्वरूप है। चिद का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप। परमात्मा ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सारी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाश देने वाले परमात्मा है, हमारी बुद्धि को भी प्रकाश देने वाले परमात्मा है। तो भगवान चिद स्वरूप। तीसरा परिचय है कि भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद किसे कहते हैं कि हमको बहुत जोर की भूख लगी है और हमारे मन पसंद अगर हमको भोजन मिल जाए, हमने खूब खाया और पेट पर हाथ घुमा करके खूब जोर की डकार ली, हम कहते हैं कि आनंद आ गया। तो क्या ये आनंद है, इसको आनंद कहेंगे? बोले नहीं, ये आनंद नहीं, ये मजा है, भोजन करने का मजा आया, आनंद नहीं आया। अगर भोजन में आनंद होता तो हम जो भोजन अभी किया है हमने दोबारा थाली परोस करके दे दी जाए, तो जो पहले भोजन करने में मजा आया वो दूसरी बार आएगा नहीं। चलो दूसरी बार आप खा भी लें, तीसरी बार आपको परोस के दे दिया जाए तो तीसरी बार भोजन करने में आपको आएगा अच्छा लगेगा नहीं? इसका मतलब है आनंद नहीं है, मजा है, मजा घट रहा है, मजा में सजा है। अगर हम ज्यादा भोजन कर जाएंगे तो अपच हो जाएगी ना, अपमन करेंगे, पलटी करेंगे, पेट खराब हो जाएगा। मजाक के पीछे सजा है लेकिन आनंद पर है। आनंद का कोई विलोम होता ही नहीं। आपने तो पढ़ा होगा हिंदी साहित्य, आनंद में आनंद का कोई विलोम है? बोले निरानंद निरानंद का कोई नहीं, इसका कोई विलोम है ही नहीं। जो वस्तु पैदा हुई है उसका कोई ना कोई विलोम होता है, लेकिन जो कभी पैदा नहीं हुई है उसका कभी विलोम। संसार में जितनी सारी वस्तुएं दिखाई जा रही, शरीर है, दिन पैदा हुआ है तो उसका विलोम रात्रि है, सुख पैदा हुआ है तो उसका विलोम दुख है, तो कोई ना कोई किसी किसी जो पैदा होता है उसका विलोम है, लेकिन आनंद परमात्मा है। आनंद कभी पैदा नहीं होता, आनंद प्रकट होता है। इसलिए कहा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्याहितकारी। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते। भगवान कौसल्या जी के भवन में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं और भगवान द्वापर युग में भी कारागृह में पहले प्रकट हुए हैं भगवान चतुर्भुज, फिर छोटे हुए। तो पैदा वो होता है जो जो दो तीन चीजों से मिलकर के जो बनाया जाता है वो पैदा होता है, जिसका कहीं अस्तित्व नहीं है, जो पहले भी नहीं था अब है आगे नहीं रहेगा, उसका नाम है वो पैदा होना नहीं है। जैसे शरीर पहले नहीं थे, जन्म लेने से पहले शरीर नहीं था, लेकिन अब शरीर दिखाई दे रहा है और एक दिन समाप्त हो जाए। ये पहले भूतकाल में नहीं था लेकिन वर्तमान में नजर आ रहा है, लेकिन भविष्य में इसका विनाश। तो जो पहले नहीं था अब है आगे नहीं रहेगा उसको कहते हैं मिथ्या, और जो पहले भी था अब भी है और आगे भी रहेगा उसको कहते हैं सत्य। ये संसार नहीं था उससे पहले परमात्मा थे, ठीक नहीं थे? मैं गर्दन इलाके बताते चला है, मुझे पता चलेगा कि आप सुनने के नहीं सुन, या तो यूं करना या तो यूं करना, ठीक है? तो जन्म लेने से संसार नहीं था उससे पहले परमात्मा थे, लेकिन संसार है तभी परमात्मा है। एक दिन संसार का विनाश हो जाएगा, कौन बचेगा? बोले केवल ब्रह्म परमात्मा। ऐसे ही जन्म लेने से पहले शरीर नहीं था लेकिन आत्मा तो थी, कहीं ब्रह्मांड में समाहित थी। शरीर ने जन्म लिया है तो आत्मा इसमें शरीर में प्रवेश की है आत्मा, तभी तो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, उठ रहे, सारी क्रिया हो रही।
लेकिन एक दिन शरीर विनाश हो जाएगा, लोग कहते हैं वो तो चला गया। तो चला गया कौन? चला गया चेतन ही करके चला गया, उसका विनाश तो नहीं हुआ। विनाश किसका हुआ? उस शरीर का। विनाश होता है संसार का, विनाश होता है शरीर का, लेकिन परमात्मा और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए परमात्मा सत्य है, आत्मा भी सत्य है। संसार असत्य है तो ये शरीर भी असत्य है। तो ये परमात्मा सच्चिदानंद है, सत्चिद आनंद रूप है। भगवान का दूसरा परिचय दिया कि भगवान का सामर्थ्य क्या है। बोले भगवान का सामर्थ्य है विश्व उत्पत्ति आदि। आदि से मतलब है कि जो सारे संसार की उत्पत्ति करता है, उत्पन्न करता है, जिसका पालन करता है और उसको लय कर देता है, संहार कर देता है, ये परमात्मा का सामर्थ्य। इसको हम अपनी भाषा में कहेंगे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्ता। ये भगवान का ही सामर्थ्य है कि राही को पर्वत करे, पर्वत को राही। मूकम करो ते वाचालम पंघुम लंगे ते ग्रिम यत् कृपा तन्हं वंदे परमानंद माधव। ये भगवान का सामर्थ्य। भगवान सर्वसमर्थ है। तो इस सारे संसार को संकल्प मात्र से प्रकट करता है भगवान, लेकिन इसका संचालन कौन कर रहा है? बोले हम कर रहे हैं। बोले नहीं, हमारी ताकत नहीं। जब हम अपने शरीर का संचालन नहीं कर सकते, अपने परिवार का संचालन नहीं कर सकते, तो सारे विश्व का संचालन कैसे कर सकते? तो सारे विश्व का संचालन करने वाला कौन? परमात्मा। लेकिन इस सारे संसार का एकदम विनाश होगा। देखो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं तब इस सारे संसार को प्रकट कर देते हैं, और भगवान जब गंभीर होते हैं तो इसका पालन कर देते हैं, और जब भगवान अपनी प्रकृति को टेढ़ी करते हैं तो सारे संसार का संहार करना। इसलिए रामचरितमानस में आया कि भ्रगट विलास सृष्टि ले। भगवान भ्रगुटी टेढ़ी करने मात्र से ही सारे संसार का विनाश कर देते हैं। ये परमात्मा का संहार। तीसरा परिचय दिया है कि भगवान का स्वभाव क्या है। बोले भगवान का स्वभाव है तापत्रय विनाशाय। जो तीनों प्रकार के तापों को जो विनिष्ट कर देते हैं, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम नमन करते हैं। तो तीनों प्रकार के ताप कौन से हैं? इसको कहेंगे कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भिन्न रहित, किसी को शरीर के रोग हैं, किसी को मन के रोग हैं। अरे जिसके पास धन है वो दुखी है, और जिसके पास धन नहीं वो भी दुखी। संसार में ऐसा कोई नहीं जीव जो परेशान ना हो, दुखी ना हो। किसी से पूछो कि तुम सुखी हो तो वो अपना दुखड़ा इतना रोना प्रारंभ कर देता है कि हमसे ज्यादा संसार में सबसे ज्यादा दुखी तो कोई है ही। एक व्यक्ति एक संत के पास आए और उसके उसने कहा कि गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दुख दूर कर। संत ने कहा कि भाई हम तुम्हारा दुख तो दूर कर देंगे, लेकिन उस इलाज के लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले संसार में किसी सुखी व्यक्ति के जूते लेकर के आओ, किसी सुखी व्यक्ति के जूते लेकर के आओ तो तुम तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुम्हारा दुख मिट जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। तो वो व्यक्ति पूरे विश्व में घूमा, जगह जगह गया, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ पर गया, धनाढ़ियों के यहाँ पर गया, उनसे कहा कि आप तो बहुत ज़्यादा सुखी हो ना, ऐसा करो अपने जूते हमें दे दीजिए, हमारा इलाज हो जाएगा, हमारा दुख मिट जाएगा। धनवानों के पास गया तो धनवान बोल कहने लगे कि भैया हम तो इतने दुखी कि रात को नींद भी नहीं आती है,
कब छापा पड़ जाए, कब हमारी बिजनेस चली जाए, कब चोरी हो जाए, कब क्या हो जाए, इतना हमको डर लगा रहता है कि रात में नींद भी नहीं आती। हमसे ज्यादा दुखी तो संसार में कोई। जब वो लौट करके आया, संत से कहा कि गुरुदेव संसार में मुझे कोई सुखी दिखाई ही नहीं, कोई सुखी मिला ही नहीं। संत ने कहा बेटा ये दुखालय, ये संसार दुखालय, दुख रूप संसार, ये जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो मेरे सतगुरु दीन। ये संसार दुखालय है। जैसे हम किसी वस्त्र की दुकान पर जाएंगे, कपड़े की दुकान पर, तो वहां पर कपड़े तो मिलेगा ही, मिठाई की दुकान पर जाएंगे तो मिठाई मिलेगी, पुस्तक की दुकान पर जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी। ऐसे ही संसार दुखों से भरा हुआ है, दुखालय है। यहाँ पर केवल दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं संसार। सुख कहाँ है? बोले कहा गोस्वामी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो राम का दास है कभी उदास नहीं। दास का मतलब है समर्पण, दास का मतलब है विश्वास। भक्ति बिना विश्वास के नहीं होती। हम किसी से प्रेम करते हैं तो विश्वास हो गए तभी तो प्रेम करेंगे, और विश्वास नहीं है तो प्रेम नहीं होगा। अरे एक मित्र का भी प्रेम टिकता है तो विश्वास पर टिकता है, पत्नी का संबंध भी चलता है तो विश्वास पर ही तो चलता है। सारे संसार के जितने संबंध हैं सब विश्वास पर चलने वाले हैं, और विश्वास टूटा तो सारे संबंध विच्छेद हो जाते, समाप्त हो जाता। इसलिए विश्वास चाहिए। यं प्रत्ययन्तु मन पेतम अपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहा, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और जन्म लेते ही जंगल की ओर जाने लगे। जो एक स्थान पर टिकने वाले नहीं है, प्रावृजिक संत हैं। प्रावृजिक का अर्थ होता है जो एक स्थान पर टिकते नहीं, रुकते नहीं। रुकते हैं तो कितनी देर के लिए? बोले जितनी देर हमको गाय का दूध निकालने में समय लगता है बस उतनी देर के लिए ठहरते हैं, बाकी चले गए थे चले गए चलते रहते। अपेत करते हैं, कृत करते हैं, जिनका अभी एक तो कोई संस्कार नहीं हुआ, जिसका कोई भी संस्कार की उसकी उसको आवश्यकता है, जो बिगड़ा हुआ है। लेकिन ये तो विशुद्ध है, साक्षात भगवान का अवतार है सुखदेव जी महाराज, और जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर जाने लगे हैं। तो उनके पिता श्री व्यास भगवान उनके पीछे पीछे चलने लगे हैं और कहने लगे बेटा बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, ये भी चले जाते। लेकिन नहीं रुके, सीधे जंगल में जाकर के विलीन हुए, वृक्षों में जाकर के विलीन हो गए। उनमें तनिक मात्र भी विकार नहीं है। विकार उसमें होता है जो संसार में रचा पचा है, उसमें विकार होता है, लेकिन परमात्मा में कोई विकार नहीं है। तो ये भगवत स्वरूप है इसलिए इनमें कोई विकार नहीं। इसलिए कहा सकल विकार रहित गति भेदा, कहे नित नित निरूपहि भेदा। सकल विकार रहित गति भेदा, कहे नित नित निरूपहि भेदा। Thank you.
दूसरा फिर आप लोग बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, दीनाथ नारायण येने वासुदेव गौरी। एक ताल में, ऐसा नहीं कोई कुछ गा रहा है कोई कुछ गा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, दीनाथ नारायण येने वासुदेव। उस अज्ञान तंगल को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस हम लोग काल रूपी अजगर सर्प के मुख में बैठे हैं सभी संसार के प्रत्येक प्राणी, फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, इतना इकट्ठा कर लूं, उससे संबंध जोड़ लूं और इतना बना लूं और मेरी बिजनेस चल जाए,
इसी में लगा रहता है, लेकिन बैठा है मौत के मुख में। वो मौत कब निकल जाए, कब हमको मार डाले, इसका किसी को परवाह नहीं। या फिर सामने से कुछ ट्रक आ रहा हो, देख रहा है कि नाम हमारे पर चढ़ रहा है, बस उसी समय भगवान याद आते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान याद नहीं। आप लोगों ने कभी हवाई जहाज की यात्रा की होगी, तो हवाई जहाज की यात्रा में ऐसा नहीं है कि आप लोग बस में या ट्रेन में जब यात्रा करते तो उसी में झटके लगते हैं। हवाई जहाज की यात्रा में बड़े बड़े झटके लगते हैं। एक बार हम लोग गए थे वहाँ पर श्रीनगर अमरनाथ गए थे, तो वहाँ पर बादल बहुत थे श्रीनगर में, बादलों में घिर गया वो हवाई जहाज, इतनी जोर का झटका लगा कि वहाँ पर जितने भी बैठे हुए थे अंदर हवाई जहाज के अंदर, जिन्होंने कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया उनको हनुमान जी याद आ गए। इसलिए याद आ गया कि ऊपर से नीचे गिरेगा तो कोई बचेगा नहीं। हम दो प्रकार से भगवान का भजन करते हैं, या तो लोभ से भगवान का भजन करते हैं या भय से भगवान का भजन करते हैं। किसी ने कह दिया कि तुम्हारे एक्सीडेंट होने वाला है, किसी जोत से निकल दिया तुम्हारी उम्र कम है, महामृत्युंजय का जप करा। आपने देखा होगा करीब 1970 के आसपास की बात है, यहाँ पर जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनको सबको पता होगा कि एक वैज्ञानिकों ने स्काई लैब आसमान में भेजी। स्काई लैब सुना है आप लोगों ने, आजकल के बच्चों ने तो सुना ही नहीं होगा। एक स्काई लैब गई थी आसमान में और वो स्काई लैब फेल हो गई थी। वैज्ञानिकों ने रेडियो पर प्रसारण करवा दिया कि वो स्काई लैब कहीं भी गिर सकती है, किसी भी नगर पर, किसी भी गांव पर, कहीं भी गिर सकती है। हम लोग अपने गांव में छोटे थे तो उस समय देखा कि जब जैसे रेडियो पर प्रसारण आया तो हर मंदिर में, हर घर में अखंड रामायण के पाठ, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जप हो रहा है, सब लोग कीर्तन करने लगे, जप करने लगे, अखंड रामायण के पाठ होने लगे और सब यही कहने लगे, हे भगवान ये स्काई लैब गिरेगी तो सही, लेकिन गिरे तो हमारे गाँव पर न गिरे, एक दूसरे गाँव पर गिरे, हम बच सकते। लेकिन जैसे ही स्काई लैब समुद्र में गिर गई, फिर रेडियो पर प्रसारण हुआ कि स्काई लैब समुद्र में गिर गई है, तो जो अखंड रामायण के पाठ हो गए तो बंद हो गए, कीर्तन करना बंद हो गया। अब हमने सोच लिया कि अब तो हम मरेंगे, ये स्थिति हम लोगों की है, ये बड़ी भ्रांति है। अरे जो संसार में आया है उसको कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंगपति, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बनाज की। संसार में जो आया है उसको तो कभी कभी जाना ही पड़ेगा। मरा मरा सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना नाम स्मरण रहता है, मौत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए मौत से डरने की आवश्यकता नहीं। अरे मौत तो परमात्मा का बुलावा है, अरे रोते रोते जाओगे तब भी जाना पड़ेगा, डरते डरते जाओगे तब भी जाना पड़ेगा, लेकिन इस संसार से विदा होकर के जाएं प्रसन्न होकर के। भगवान का निमंत्रण आया, भगवान ने बुलाया, कभी ना कभी तो जाओगे। जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा
क्या भरोसा है जिंदगी का, भरोसा है जिंदगी का। Thank you.
देवताओं को जब पता चला कि राजा परीक्षित को शाप लगा है, हमारे पास अमृत है, तो अमृत लेकर के जाएं, राजा परीक्षित को अमृत पिलाएं ताकि उसकी मृत्यु न हो। तो सारे देवता अमृत का कलश लेकर के आए, बहुत भीड़ बैठे हुए, सुखदेव महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, राजा परीक्षित एकाग्र चित्त होकर कथा सुन रहे हैं। लेकिन होना ये चाहिए, नियम तो ये है कि जब पंडाल में बहुत सारे लोग बैठे हों, खचाखच पंडाल भरा हो, और उस समय जिसको जहां जगह मिले चुपचाप आकर के बैठ जाए। मैं आपको भी बता रहा हूं कि चालू कथा में कोई भी मंच के पास नहीं आना चाहिए, ये अपराध। अपराध क्या है? जब कथा चलती है तो लोगों का मन ध्यान कथा से ऐसा जुड़ जाता है, उस समय कोई व्यक्ति आता है तो उसकी धारा में विक्षेप होता है। तो कथा को विघ्न फैलाने का जो अपराध, ये सबसे बड़ा अपराध। हम लोग क्या करते हैं कि पीछे पीछे आते हैं और प्रसाद लेकर के आते हैं तो मंच तक ही आते हैं। कल से हम लोग प्रसाद पीछे रखवाएंगे, सारा प्रसाद पीछे रखा जाएगा, वहीं से फिर बांटा जाएगा। तो मंच तक नहीं आना चाहिए, जहां जगह मिले वहां पर तुरंत बैठ जाए और एकाग्र चित्त होकर की कथा शुरू करे, धारा को न तोड़े, यह अपराध होता है। तो देवता लोग सीधे सारी भीड़ को चीरते हुए सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे हैं और जाकर के सुखदेव जी महाराज को नमन करते हुए कहा कि महाराज, हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए, सुधा कुंभम गृहित भई देवास्तत्व समान। बोले हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। सुखदेव महाराज ने कहा किस लिए? बोले इसलिए लेकर के आए, लेकर के आए कि राजा परीक्षित को जो मृत्यु का श्राप लगा है तक्षक के द्वारा, आप इस अमृत को उसको पिला दीजिए, उनकी मृत्यु नहीं। सुखदेव महाराज उस समय थोड़ी देर के चुप होकर के विचार करने लगे कि हमने देवताओं को निमंत्रण दिया नहीं, इनको बुलाया नहीं, इनसे हमने अमृत मांगा नहीं, और ऐसे अमृत को हमारे पास लेकर के आए हैं कि जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया, समुद्र में से अमृत निकला, उसमें देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ, तब जाकर के भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके बंटवारा किया, बड़ी मुश्किल से बड़ा परिश्रम करके जो अमृत मिला, और उससे अमृत को लेकर के ये बड़े आसानी से लेकर के चले आए, हमने मांगा तो नहीं। महाभारत में कथा आती है आदि पर्व में कि एक बार कश्यप मुनि की 13 पत्नी
जिनमें से दो पत्नियां थी, एक का नाम था कद्रू, दूसरी का नाम था विनिता। कद्रू के जितने पुत्र हुए सब सर्प हुए, सांप हुए, और विनिता के दो पुत्र हुए, एक का नाम था अरुण और दूसरे का नाम था गरुण। अरुण भगवान सूर्य के सारथी बने हैं और गरुण भगवान नारायण के सारथी बने हैं, उनकी सवारी है। तो एक दिन गरुड़ जी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये सर्प हमको इतना सताते हैं, हमारे ऊपर चढ़ते हैं, हमसे कहते हैं कि वहां पर लेकर के जाओ, तो वहां पर लेकर के जाना पड़ता है, हमको परेशान करते हैं। आप सुनने के लिए नहीं आए, तुम कथा को खरीदने के लिए। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने उस कथा को देवताओं को नहीं दी, विनय नहीं किया, अच्छे नहीं। सभी देवता पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, महाराज हम तो राजा परीक्षित के लिए अमृत लेकर के गए थे, लेकिन हमारा तिरस्कार कर दिया सुखदेव जी महाराज ने, हमको कथा अमृत नहीं दिया, हमारा अमृत नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता हो, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि इस कथा को श्रवण करने का फल क्या होता है। ब्रह्मा जी देखने लगे, राजा परीक्षित ने जैसी कथा पूरी सुनी है और सातवें दिन की संध्या को भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए हैं और राजा परीक्षित विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम को गया, मुक्ति प्राप्त की, ये दृश्य देखा है। ब्रह्मा जी ने तुरंत समझ गए, एक तराजू लिया और तराजू के एक पड़ने में श्रीमद् भागवत जी को रख लिया और दूसरे पड़ने में संसार के सारे सुख भोग वैभव कर दिया, अमृत को रख लिया और तौल करके जैसे देखा, ब्रह्मा जी ने कह दिया, आश्चर्य करने लगे कि श्रीमद् भागवत जी की तुलना में अन्य धर्म शास्त्र का पढ़ना एकदम झुके, ये भागवत जी का पढ़ना झुका और सारे दूसरा पढ़ना उठ गए। इसका मतलब सत्संग के सामने, भागवत कथा के सामने संसार के सारे सुख भोग वैभव हल्के, तो कुछ कोई मानना नहीं, बल्कि स्वर्ग का अमृत भी मानना। स्वर्ग का अमृत पीने से, देखो कथा अमृत पक्षपाती नहीं है, लेकिन स्वर्ग का अमृत पक्षपाती, स्वर्ग का अमृत उसी को मिलेगा जो पुण्य कर्म करेगा, जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाएगा तभी तो अमृत मिलेगा।
पक्ष करने वाला है, पापी को मिलेगा अमृत नहीं मिलेगा। लेकिन कथा अमृत यहाँ पर दुराचारी हो, पापाचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, अत्याचारी हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो भी कथा सुनता है तो उसको भी उतना ही फल प्राप्त होता है। तो कथा अमृत भेद नहीं करता, लेकिन स्वर का अमृत भेद करता। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद मानस में भी आए। भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। मस्क समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमिर नरहरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कही चले से मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मरण सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरी। लंकिनी लंका का पहरा दे रही है। हनुमान जी छोटा सा मच्छर के बराबर का रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लंकिनी की ऐसी पैनी दृष्टि उसने देख लिया, पहचान ली। लंकिनी कहने लगी, अरे चोर कहीं के मेरी नजर चुरा कर के तू लंका में प्रवेश कर रहे, तू तो मेरा आहार बनेगा, मैं तो खाऊंगा। हनुमान जी ने तुरंत रूप धारण करके मुटका एक महाकपिहनी रुधिर वमत धरनी एक मुक्का मारा हनुमान जी ने उसकी फोड़ी पर और उसके मुख से रक्त निकल गया, खून निकल गया, वमन करने लगा, धरती पर गिर गया। तब वो लंकिनी कहने लगी है हनुमान जी से। लंकिनी समझती है सत्संग की महिमा, लेकिन हम संसार के लोग सत्संग की महिमा को ज्यादा नहीं जानते, जानते ही नहीं। लंकिनी कहती है हनुमान जी के ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग तोलन ताहि सकल मिल जो सुदुर्लभ सत्संग। क्षण के सत्संग से जो आनंद मिलता है, संसार के किसी भोग वैभव में इतना आनंद नहीं। ताप स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग माने वैकुंठ, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष में भी वो आनंद नहीं है, स्वर्ग में भी वो आनंद नहीं है जो सत्संग में जो आनंद है। इसलिए हमको सत्संग बहुत जरूरी है। जितना हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, हमारे लिए जल की आवश्यकता है, हमारे लिए श्वास की आवश्यकता है, उससे कई गुनी सत्संग की आवश्यकता है। क्योंकि सत्संग के अभाव में कुसंग होता है, कुसंग से हमारी बुद्धि हमारी इंद्रियां विकृत हो जाती हैं, फिर हम अधोगति में जाना पड़ता है, हम दुष्कर्म करने लगते हैं। इसलिए सत्संग हमारे मन को हमारी बुद्धियों को हमारी इंद्रियों को एकदम कंट्रोल में रखता है, इसलिए सत्संग होता है। बल्कि यहां तक कह दिया कि सठ सुधर ही सत्संगति पाए, सठ भी सुधर जाता है अगर उसको सत्संग मिल जाए। जिस प्रकार पारस मणि का स्पर्श होने से लोहा लोहा नहीं रहता, सोना हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग अगर सठ को मिल जाए तो वो सठ नहीं रहता, वो कौन हो जाता है, और ब्रह्म में हो जाता है, ईश्वर में हो जाता है। अच्छा एक बात बताऊं, आप लोग सेवा कर रहे हैं, आवाज नहीं कर रहे, चुपचाप सेवा कर रहे हैं,
एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, देवता चांदी के समान है, मनुष्य लोहे के समान है और भगवान नारायण सोने के समान है, तो देवता और मनुष्य, देवता और मनुष्य में बड़ा कौन है बताओ? देवता बड़े हैं या मनुष्य बड़ा है? क्या कहेंगे आप? देवता बड़े, देवता बड़े हैं, सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर रामचरितमानस की चौपाई के द्वारा कहा कि बड़े भाग मानुषतम सुर दुर्लभ, देवताओं को जो मनुष्य देह दुर्लभ है ऐसा मनुष्य देह हमको मिला है, तो हम तो देवता से बड़े हुए। स्पष्ट कर दिया, बड़े भाग मानुषतम पाप, देवता लोग तरसते हैं मनुष्य देह के लिए, इसका मतलब है देवताओं से मनुष्य। तो वैसे देखा जाए देवता चांदी के समान है, मनुष्य लोहे के समान है, धातु के अनुसार देखा जाए तो देवता बड़े हैं, चांदी की कीमत ज्यादा है, लोहे की कीमत कम है, लेकिन अगर लोहे को पारसमणि का स्पर्श हो जाता है तो वो लोहा लोहा नहीं बचता, वो चांदी भी नहीं होता है, तो क्या हो जाता है? सोना। समझ गए? मतलब ऐसे ही मनुष्य को जब सत्संग रूपी पारसमणि मिल जाता है वो देव नहीं होता, वो परमात्मा में हो जाता है। इसलिए कहा कि सोई जान ही देव जना, जान के तुम ही हो जान, तो मेरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगति भगति उर चंदन, तो मेरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगति भगति उर चंदन, सोए जान ही देह देहु जन। तो सत्संग हमको जना देता है परमात्मा को, तो परमात्मा को जानते जानते ब्रह्म में ईश्वर में, इसलिए सत्संग हमको ब्रह्म में परमात्मा में बना देता है, ईश्वर में बना देता, इसलिए सत्संग क्या होता है। तो ब्रह्मा जी ने तौल करके दिखाया, सभी को समझ में आया कि भागवत जी की महिमा ज्यादा है, स्वर्ग की महिमा, अमृत की महिमा नहीं। ये यहाँ पर भागवत की का महत्व बताया, महिमा बताई कि भागवत जी की महिमा क्या है। अब यहाँ पर प्रश्न किया है सूजी महाराज से, स्वर्ण कृष्ण उनके महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि इस कथा को 7 दिन में कहने की परंपरा कब और कहाँ से प्रारंभ हुई। सूजी महाराज कहते हैं हे ऋषियों कि एक बार एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियों मला सत्संगात समायाता, एक बार सनक सनंदन सनातन संतकुमार चारों भाई केवल सत्संग की इच्छा लेकर के बद्र का आश्रम में बद्रीनाथ में भ्रमण कर रहे और उनका जीवन केवल सत्संग में, उनको सत्संग मिल जाए तो मानो वाले कोई निधि मिल गई, कोई मणि मिल गई, अगर कोई संत नहीं मिलता है तो चारों में से एक ऊपर बैठ करके सत्संग सुनाता है, 3 नीचे भ्रमण कर रहे थे। बस उसी समय देवर
कैसे हो, इसलिए आपके पुत्र ये मूर्छा अवस्था में। तो भक्ति देवी ने कहा कि महाराज जी एक बात बताओ, जब कलयुग इतना दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया, मार क्यों नहीं डाला, छोड़ क्यों दिया? महाराज जी ने कहा
मैया अगर आप मुझसे पूछती तो ये यदि आप पूछ रही तो ध्यान से सुनिए, जिस दिन भगवान कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके परमधाम गए उसी दिन से कलयुग ने अपना पैर पसारना प्रारंभ कर दिया इस मुक्ति को। और महाराज परीक्षित जब इसे मानने के लिए तैयार हुए तो दीनहीन लाचार होकर के राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, चरण पकड़ा।